ये भाई साहब बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कितने जमीन का कितना कीमत है। तो ये बता रहे हैं कि करीबन मान के चलिए कि 3 फीट जो है, 3 फीट के दायरे में आप अगर यहाँ पे जमीन लेंगे तो 10,000 रुपये का। ये दोस्त हैं, यही बता रहे हैं, भाई साहब हैं, यही बता रहे हैं। इनका थोड़ा सा माँ उठा लीजिए, इनको देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को लेके आए हुए हैं जो कि संगम प्रयागराज दोस्तों, जो कि यहाँ पे है और यहाँ का जो कि कार्य जो कि किस प्रकार चल रहा है और किस प्रकार हो रहा है उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो में हम आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुके हैं जो कि यहाँ पे है। मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे किस प्रकार है, और हमारे भाई हैं एक ठो ये हैं, और यही जो लेके आए हुए हैं, और ये जो कि यहीं के रहने वाले हैं, निवासी हैं। तो हमको यहाँ के बारे में बताएंगे जो कि किस प्रकार यहाँ क्या क्या होती है। और हालांकि जो इधर जो कैंप वगैरह बन रहा है और उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, और जो संगम में है जहाँ कितनी पब्लिक लगती हैं और क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या काम चल रहा है वहाँ। तो आज की वीडियो में जो कि इधर से देख रहे हैं, इधर से जो कि यहाँ बहाव के लिए जो कि काम शुरू होता है, तो यही भाई साहब हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं इधर। तो क्या मतलब ये जो आप बांध रहे हैं यहाँ पे, ये किस प्रकार जैसे क्या हो रहा है इससे? इससे मतलब कि कटाव जो है कि कम होगा और अच्छे से जो नहाने आने जाने का पानी जो है एकदम बढ़िया से फ्लोर बढ़िया रहेगा इसका, अभी और छूटेगा इसमें। अच्छा, और आएगा। तो यहाँ मतलब क्या लगता है किस प्रकार यहाँ पे भीड़ मतलब पब्लिक होती है यहाँ पे? यहाँ पर भीड़ बहुत तेज होगी जो है अमावस्या पे। दोस्तों यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और देखें किस प्रकार यहाँ पे कैंप वगैरह लगाए गए हैं, पीछे आप देख सकते हैं। तो यही छोटा बस थोड़ा यहाँ दिख रहा है, इसके और आगे और बहुत ज़्यादा है ना? बहुत ज़्यादा है इधर। उस साइड बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों उधर जो ये पुल का नाम शास्त्री पुल है, शास्त्री पुल के जस्ट पीछे उधर भी वहाँ पे भी है और इधर भी ज़्यादा इधर कैंप लगता है। अच्छा, मैं रास्ते में जब आया यहाँ पे तो लोग जिस मैंने सुना है मतलब कि लोग बताते हैं कि यहाँ सेक्टर वाइज क्या बांटा जाता है मतलब लोगों को? हाँ, सेक्टर रहता है, मतलब ये जैसे पुल नंबर 1 है। हाँ, जैसे ये पुल नंबर 1 है, यहाँ पे जो सामने दिख रहा है पुल नंबर 1 है। हाँ, उसके बाद फिर जो है 2, पुल नंबर 2, इसके बाद 5 नंबर तक पुल है। अच्छा, इसके बाद 5 नंबर पुल है, मतलब लास्ट वाला जो बता रहे थे उधर उस साइड वाला 5 नंबर है। अच्छा, रेलवे को उस पार भी। अच्छा, ये कितने मीटर में होगा ये? कुछ मैं ये जो यहाँ पे हूँ, हाँ हाँ, 2 नंबर पुल, ये 1400 मीटर है। 1400 मीटर? हाँ। अच्छा, उसी का अंदाज से आप अनुमान लगा। 1 किलोमीटर पे वो दूसरा वाला है, 1 किलोमीटर भी। हाँ, पहला जो है यहाँ से दूसरे के दूरी, हाँ, 1 किलोमीटर है। बढ़िया लगा है जो कि यहाँ पे आने के बाद। और आप लोगों को लेके चलते हैं जो कि यहाँ के जो कैंप वगैरह हैं जो कि और लगाए जाते हैं, उधर देख सकते हैं वहाँ किस प्रकार भीड़ लगाई गई है, वहाँ पे भी है, वहाँ सबसे ज़्यादा संगम पे ही भीड़ लगती है वहाँ पर। और जहाँ भीड़ सबसे ज़्यादा कहाँ लगती है? सबसे ज़्यादा संगम पर भीड़ लगती है वहीं पर, वहीं मतलब यहीं मेन है, मेन यहाँ है, फिर उसके बाद उधर आगे। अच्छा, चलिए बढ़िया है। इस वक्त थोड़ा शाम का वक्त है जो कि इसमें 4 करीबन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ की थोड़ी बहुत जानकारी ले रहे हैं और आप लोगों को ले के चलते हैं जो कि यहाँ से आसपास जो कि क्या हो रहा है। ओहो, देख सकते हैं किस प्रकार दोस्तों यहाँ पे पाइपिंग किया जा रहा है पानी वगैरह के लिए, और ये पाइप लाइन का सिस्टम है जो कि आप लोगों को पीने के योग्य पानी जो कि यहाँ से जाएगा। इधर कैंप देख सकते हैं, और लाइटिंग वगैरह के लिए वायरिंग किया जा रहा है। इधर देखिए, देख रहे हैं किस प्रकार सामने है एकदम पूरा यहाँ से वहाँ तक, और आगे भी है उधर साइड में सेंटर में आप देख सकते हैं। इधर देखिए झोपड़ी लगाया गया है इधर से, इधर देखिए काम हो रहा है, इधर खूब बहुत तेजी से काम जो कि शुरू हो चुका है यहाँ पे। तो दोस्तों यही वही जगह है जहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे आके स्नान करते हैं, श्रद्धालु एवं और दोस्तों इसमें हम पिपा पुल पे पहुंचे हैं। क्या नाम भाई इसका, पुल का नाम पिपा पुल पे है। इसमें देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पे संगम पे जब यहाँ चल रहा है, और मेरे देखिए
फ्लूड देखिए किस प्रकार है यहाँ का भाई साहब, बहुत बेहद ही डरावना लग रहा है यहाँ का। हम लोग जो कि देख रहे हैं अभी इसको महसूस कर रहे हैं यहाँ पे, और कैमरे में शायद उस तरीके से ना एक्सप्लेन हो, तो और आगे आगे चलते हैं दिखाते हैं किस प्रकार है।